जाति जनगणना कराने में भी हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। उचित समय पर केंद्र की सरकार इस संदर्भ में अपना फैसला अवश्य लेगी। अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी और कार्यों के बारे में प्रदेश और देश जानता है कि ये ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर देश और प्रदेश की जनता का समर्थन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है या नौकरियों में हिस्सेदारी की बात आती है तो ये केवल अपने परिवार की परिधि में ही फैसला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 पीसीएस की भर्ती हुई थी, 56 लोग एक ही समाज के थे, तो उस समय ना पीडीए कहीं दिखता है उनको, ना आरक्षण उनको दिखता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 55 साल से ज्यादा देश में राज किया है, क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं काका कार्यालय की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 40 साल तक ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को डिले करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। हम तो धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने पिछड़ों के भाव को समझा और देश में आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर किया। फिर भी जाति जनगणना के बारे में हमारी सरकार चिंता करेगी, सही समय पर इस पर फैसला लेगी। निश्चित सब लोग देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उनके परिवार के चाचा भतीजे सब मिला के 5 MP हो गए, तो वहां का रिजर्वेशन की बात चली जाती है। समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, एक ही परिवार का व्यक्ति पूरी पार्टी को चलाता है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है, एक ही परिवार चलाता है। तो ये अपनी पार्टी में, अपने ट्रस्टों में, अपने संगठन में रिजर्वेशन की बात नहीं सोचते, पिछड़ों को अधिकार देने की बात नहीं सोचते, केवल देश प्रदेश में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये जाति जनगणना की बात करते। वास्तविकता ये है कि मोदी योगी का बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, बढ़ता हुआ उनका उनका जो स्वरूप है, उससे ये लोग भयभीत चिंतित हैं। और मैं फिर भी हम कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर चल रही है। सही समय पर हमारी सरकार हर कदम उठा के देश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार देने में आगे बढ़ेगी। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की घटना पे तो बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेप के मामले आ रहे हैं उस पर कुछ नहीं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी घटना हुई है, हर उस घटना पे मजबूती के साथ कार्रवाई की है। अयोध्या की घटना का मैं उस टीम में गया था, जो 3 सदस्यीय टीम बनी थी अयोध्या की घटना में निरीक्षण करने के लिए, हमने जो जो रिकमेंडेशंस की, अयोध्या की घटना में सभी मुलजिम गिरफ्तार हुए, उनकी संपत्ति को बिस्मार किया गया और जितने भी अपराधी जो संगीन अपराधों में उत्तर प्रदेश में रहे हैं, योगी जी ने किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार होता है, हत्या होती है और बंगाल की सरकार उनको बचाती है, उनके सबूत को बिस्मार करती है। उसी आधार पर तो योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा देश को, प्रदेश को हमें इकट्ठा होके अपराधियों का मुकाबला करना होगा। तो पश्चिमी बंगाल की घटना बहुत दर्दनाक है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में वो अपराधी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के बारे में, मुख्यमंत्री जी के फैसलों के बारे में सारी दुनिया जानती है कि करप्शन और क्राइम पर मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। सर, जो विपक्ष का आरोप है उसको क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष के आरोप निराधार हैं। समाजवादी पार्टी को याद करना चाहिए ना 12 से 17 का अपना कालखंड, 5 साल में 700 दंगे अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, मुजफ्फरनगर से लेकर मिर्जापुर तक लोग जलाए गए, मारे गए, कहां भूल गए? वो सड़कों पे गुंडा नाच होता था, सड़कों पे मारामारी होती थी। तो शायद अखिलेश यादव जी अपनी सत्ता के कालखंड को भूले हैं। योगी जी की सरकार पे सवाल उठाने से पहले अपने 5 साल की सरकार को याद करें, इसलिए तो उनको सत्ता से बाहर किया गया था। और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता
बहुत सूझवान है, फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता मौका देने वाली है। विपक्ष कह रहे जो 10 सीटों को चुनाव है उसमें सत्ता का जो सफाया हो जाएगा अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन से। भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टनर्स उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे।